हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाला हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी है डायबिटीज यानी मधुमेह से जुड़ी हुई। दोस्तों आज के दुनिया में जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो अगर आप वक्त रहते हुए अगर आप पहचान लें तो आप डायबिटीज जैसी भयानक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और एक तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे आखिर तक जरूर सुने ताकि इससे पूरा फायदा आप उठा सकें। दोस्तों डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और कई बार कुछ लोग को ऐसी बीमारी का जब पता चलता है जब उनके काफी सारे शरीर के कई सारे अंगों पर ये नुकसान पहुंचा चुकी होती है। तो दोस्तों ऐसे में कहीं देर ना हो जाए तो आपको ये बीमारी के बारे में पहले ही पता होना चाहिए। डायबिटीज का किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, किडनी खराब हो जाने का एक जानलेवा खतरा भी होता है। आज हम आपको डायबिटीज के लक्षण बताएंगे जो आपको अपने शरीर में ध्यान से देखने हैं, और अगर आपको जरा सा भी शक होता है तो आपको दोस्तों तुरंत अपना शुगर टेस्ट जरूर करवाना है। ऐसे में दोस्तों आप जैसा कि आप जानते हैं इलाज से सावधानी बरतना ज्यादा बेहतर होता है। तो शुरू में दोस्तों इस समस्या पर आप ध्यान देंगे तो आप कभी भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों पहला संकेत, बार बार बाथरूम जाना। जी हाँ दोस्तों, जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे में बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। शरीर में इकट्ठा हुआ शुगर पेशाब के जरिए शरीर से बाहर जाने लगता है, और जब बार बार बाथरूम जाने की समस्या बहुत ज्यादा होती है तो समझ जाइए यहाँ कुछ गड़बड़ है। जी हाँ अगली चीज दोस्तों, थकावट महसूस करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप सारा दिन आलसी बने रहते हैं और थोड़ा सा काम करने पर भी आपको थकावट महसूस होती है, या फिर पूरी रात सोने के बाद भी आपको महसूस होता है कि नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अपना शुगर टेस्ट आप जरूर करवाएं। जी हाँ क्या पता दोस्तों ये डायबिटीज का पहला लक्षण हो। जी हाँ अगली चीज दोस्तों, खुजली करने पर भी जख्म बनना। जब कभी शरीर के किसी भी भाग पर आप खारिश करने से जख्म बनता हुआ महसूस करें और जब वो खारिश कभी जल्दी से ठीक ना हो पाए तो दोस्तों ऐसे में आपको अपना शुगर लेवल चेक करवा लेना चाहिए। इस तरह से दोस्तों जो भी समस्या होती है वो तुरंत इलाज में पकड़ी जाती है और आप उसको बेहतर तौर से इलाज कर पाते हैं। अगली चीज दोस्तों, नजर कमजोर होना। डायबिटीज का आंखों पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव होता है, इससे आपको दिखना कम हो जाता है। शुगर के कारण आंखों के जो पर्दे होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। शुगर के कारण दोस्तों जो आपकी नजरें हैं धीरे धीरे कमजोर होती हैं, और शुगर के कारण ही खत्म हुई नजर दोबारा ठीक नहीं हो पाती। जी दोस्तों ये बहुत गंभीर बात है, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो आईसाइट है बहुत तेजी से वीक होती जा रही है तो दोस्तों एक बार आप अपना शुगर टेस्ट जरूर करवाएं। घाव जल्दी ना भरना। जी हाँ दोस्तों, सब्जी काटते हुए अगर आपका हाथ कट जाए या फिर शेविंग करते हुए आपको जरा सी खरोंच या घाव आ जाए और वो जल्दी ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो दोस्तों ऐसे में आपको मैं यही कहूंगा कि आप शुगर का एक बार टेस्ट फिर से करवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब हल्की सी भी चोट लग जाए और वो धीरे धीरे ठीक होती है और बहुत ज्यादा वक्त लेती है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको दोस्तों एक बार शुगर का पहला लक्षण झटका दे चुका है, और आप अगर इसको टेस्ट करवाएंगे तो आप इसको बहुत जल्दी पकड़ में महसूस कर पाएंगे। अगली चीज दोस्तों, बार बार भूख लगना। जी हाँ दोस्तों, शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर बार बार भूख लगने की लत लग जाती है। अगर आप पहले से ज्यादा खाना खा रहे हैं फिर भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं करते हैं तो आपको दोस्तों शुगर होने का खतरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अपना शुगर लेवल फिर से चेक करवाएं। जी दोस्तों, वजन का कम बहुत जल्दी होना। जी हाँ दोस्तों, भूख में बढ़ोतरी होने पर खाना खाने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों शुगर के मरीजों में ऐसा होता है कि शुगर लेवल जब बढ़ने लगता है तो लोग खाना भी बहुत खाते हैं और उनका वजन भी कम होता है। जी दोस्तों, ये जो स्पेशल बात है यही चीज को पकड़ कर अगर आप ध्यान रखें और अपना टेस्ट कराएं तो आप इस बीमारी को जल्दी पकड़ में मौजूद कर लेंगे। अगली चीज दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम्स होना। शुगर लेवल बढ़ने पर स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत ज्यादा होने लगती है। फेस पर मुहासे होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, और ये सब के सब बहुत तेजी से आपके स्किन पर फैलने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जब आपको ज्यादा महसूस हो कि आपके ब्लैक हेड्स और मुहासे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आप अपना एक बार शुगर लेवल जरूर टेस्ट करवा लें। मसूड़ों में खून आना। जी हाँ दोस्तों, दांतों की सफाई करते समय
आपके मसूड़ों में खून निकलना शुरू हो जाए या फिर मसूड़ों में सूजन आ जाए, तो दोस्तों ऐसे भी ये कारण होते हैं कि डायबिटीज का खतरा हो सकता है। अगर आपको ये लक्षण लगातार नजर आ रहा है तो दोस्तों आपको अपना शुगर चेकअप जरूर कराना चाहिए। जी हाँ। और आखिरी चीज दोस्तों, बार बार मुंह सूखना। शुगर की बीमारी में आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार मुंह सूखने लगता है और फिर मुंह में नमी की कमी लगती है। जी तो दोस्तों ऐसे में आपको अगर ये सारी बीमारी के लक्षण आपको नजर आते हैं अपने अंदर, तो दोस्तों आपको मैं यही कहूंगा, एज ए दोस्त बोलूंगा कि आप एक बार अपना शुगर लेवल जरूर टेस्ट कराएं। दोस्तों ये बीमारी अगर आप जितनी जल्दी पकड़ में मौजूद कर लेंगे ये आपको उतना ही फायदा रहेगा, वरना आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें आज आपको बताई हैं आप इनको ध्यान से सुनेंगे और इन पर जरूर अमल करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। दोस्तों आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।